हेलो, आज हम स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर द प्लान। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट रिप्रोडक्शन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज। इन फ्लावरिंग पार्ट प्लांट्स दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाई द फ्लावर। इन द फ्लावर इज यूजुअली द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ अ प्लांट। इसका मीनिंग लिखो कॉन्स्पिशियस का। नोट कर लिया स्पेशल एट्रैक्टिव है ना, स्पेशल लिख लो, एट्रैक्टिव लिख लो। लिखा हुआ है कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो किसी भी ऑर्गेनिज्म स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन है। फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं उनमें ये जो काम होता है वो फ्लावर करता है, ठीक है। अब फ्लावर जो होता है यूजली मोस्ट ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव पार्ट होता है किसी भी प्लांट का, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ अ बाइसेक्सुअल फ्लावर ये दिया हुआ है आपको। स्ट्रक्चर देखते हैं, पहले पढ़ते हैं फिर पढ़ते हैं, फिर पहले पढ़ते हैं फिर देखते हैं। फिर फ्लावर क्या है बेसिकली? फ्लावर इज स्पेशलाइज्ड सूट, एक स्पेशलाइज्ड सूट है इन विच लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू फ्लोरल स्ट्रक्चर, जिसके अंदर जो लीव्स हैं वो फ्लावर फ्लोरल स्ट्रक्चर के रूप में अंदर, फ्लोरल मतलब फूल पत्तियों की शेप में, लीव नॉर्मल लीव्स नहीं होती, एक अलग डिजाइन में आती है बेसिकली। तो फ्लावर एक ऐसा जैसा सूट है जिसके अंदर की जो लीव्स होती हैं वो एक स्पेशलाइज्ड एक मॉडिफाइड स्ट्रक्चर में आती है, मॉडिफाइड फ्लोरल स्ट्रक्चर में आती है। हैंग वर एफ थोड़ा हैंग वर एफ क्रॉस करके स्टार्ट करता हूँ मैं ना। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक देखा स्टॉक पढ़ते हैं क्या होती है। स्टॉक यहाँ पे दी हुई था, ये रहे हिंदी में सुना होता अपने डेंटल बोलते हैं बेसिकली इसको ना, तना बोलते हैं इसको। स्टॉक का एक और साइंटिफिक नेम है पेडिसल, क्या नाम है पेडिसल, है ना। इसका बेसिकली काम क्या होता है, फ्लावर के लिए काम क्यों करना, इसका बेसिकली काम क्यों फ्लावर को सपोर्ट करना। सम फ्लावर्स में भी विदाउट स्टॉक, कुछ फ्लावर्स विदाउट स्टॉक भी होते हैं, यानी कि ऐसा फ्लावर जिनके पास स्टॉक होता है इसके पास तना होता है उसको पेडिसल बोलते हैं, और जो विदाउट होता है उसको सेसल बोलते हैं, ठीक है। द टिप ऑफ द स्टॉक मे ऑल्सो बी एनलार्ज्ड टू फॉर्म अ कप शेप एसेप्टिकल और थर्मस। बेसिकली क्या कह रहे हैं, जो टिप होती है स्टॉक की, यानी स्टॉक का जो ऊपरी पार्ट होता है जो अपर पार्ट जो होता है बेसिकली वाला पार्ट है ना, ये एनलार्ज हो सकता है, एनलार्ज होकर बड़ा हो सकता है। देखो बड़ा हो गई, पहले इसकी बिच कितनी थी अभी इतनी हो गई है ना, एनलार्ज हुआ किस लिए, टू फॉर्म एनलार्ज कप शेप, एक कप शेप यहाँ से पूरा लेना, ये भी मत लेना पूरा, मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा। चल नहीं रहा है,
यहीं से देखो, एक कप शेप यहीं पे उसने क्या बना लिया, एक एलआर फॉर्म बना लिया, यहाँ पे बड़ा हो गया कप कप शेप। इसको क्या बोलते हैं, इस चीज को क्या बोलते हैं, इस चीज को क्या बोलते हैं, रिसेप्टर कहते हैं। वो रिसेप्टर के लिए थैलेमस बनाता है, ठीक है। रिसेप्टर होते देखो, टिप से क्या बनता है, एक कप शेप को रिसेप्टिव कल या फिर इसको थलमस बोलते हैं, ये भी बनता है। फ्लोरल पार्ट्स आर बॉर्न ऑन थलमस इन फोर होल्स, यानी वो कह रहे हैं जो फ्लावर के जो पार्ट्स होते हैं बेसिकली, वो इसी थलमस से या फिर इसी रिसेप्टिकल से बॉर्न होते हैं। यानी जो फ्लो करेगा वो यहीं से ग्रो करेगा। देखो ये चीज़ें, ये यहाँ से ग्रो कर रही है, ये रेड कलर की जो लीव्स हैं ये भी यहीं से ग्रो कर रहे हैं, सब यहीं से ग्रो करते हैं। फिर चार चीज़ होती है सुंदर। पहला होल जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन सेपल्स, ग्रीन सेपल्स। ये रहे सेपल्स आपके, ठीक है। इनको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, नाम याद रखना आपको सारे, कैलिक्स। क्या बोलते हैं, कैलिक्स। सेकंड चीज क्या बॉर्न होती है यहाँ से, तो होती है लार्ज लार्ज ब्राइटली कलर्ड पेटल्स, पत्तियाँ। इसको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, कोरोला। कहाँ ये पेटी है, तस्वीरें जो आपको, ये तस्वीरें जो आपको बताई नहीं है मुझे, ये रेड रेड वाला, ये रेड वाले, ये सारे क्या हैं, जो जो कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, कोरोला, बोलते हैं कोरोला। थर्ड होल ये बेसिकली मेल पार्ट होता है, मेल पार्ट खांसा आगे इसके अंदर, मेल पार्ट फीमेल पार्ट खांसा आगे इसके अंदर भी। क्योंकि ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, और बाइक का मतलब दो, बाइक का मतलब होता है दो, इसके अंदर दोनों क्वालिटी होती हैं, मेल और फीमेल दोनों की क्वालिटीज होती हैं, ठीक है। ये क्या है, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एक भाई की तरह एक स्ट्रक्चर होता है। सम वर्क प्रोजेक्टिंग आउट जो कि बाहर निकलता होता है बेसिकली, जो कि किसान किस तरह से बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है। ईच यूजली एंडिंग है ना, ब्लू वाइट टेपल। दीज आर स्टेमेंट, दीज आर स्टेमेंट्स। इसको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, इसको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, एंड्रो एंड्रोसियम एंड्रोसियम। ईच स्टेमेंट कंसिस्ट ऑफ अ थ्रेड लाइक फिलामेंट एंड अ ब्लू बेड एंथर। ब्लू बेड का मीनिंग अपने आपको साइंटिफिकली कैसे बताऊं, लेट मी चेक अगर सब मीनिंग है तो। एक्चुअली शेप्स तो मैं आपको याद करा दूंगा, बेसिकली सब चीज़ें से हिंदी में मीनिंग क्या निकलेगा। इसको ये बोलते हैं, इसको बेसिकली हिंदी बोलते हैं द्विपालिका, जिसके दो कान हो, जिसके दो क्या हो, दो साइड हो इसके। देखो एक साइड ये रही, एक साइड ये रही, तो इसको क्या बोलते हैं, ब्लू बेड टेप, ब्लू बेड टेपल, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंथर। जिसको हम क्या बोलते हैं, एंथर। तो कह रहा है ये स्टामिन होता है, ये एंड कैसे होगा, एक तो फिलामेंट होगा इसके अंदर, और ये एंड होगा एक ब्लू बेड टिप पर, ब्लू बेड टिप पर, ठीक है। और ब्लू बेड टिप को क्या बोला जाएगा, एंथर बोला जाएगा। और जो थ्रेड होता है इसके अंदर, थ्रेड थ्रेड को क्या बोला जाएगा, फिलामेंट बोला जाएगा, ठीक है। फोर्थ होल है जो फीमेल पार्ट है, उससे पहले सिंबल चेक कर लिया पॉइंट के, अच्छा सिंबल कैसा है, ठीक है। और इसको सिंबल कैसा है याद रखना है, सिंबल, ठीक है। ये क्या बेसिकली सेंट्रली लोकेटेड पिस्टल, ये सेंट्रली यानी बीच में लोकेटेड होती है ना, इसको पिस्टल बोलते हैं। दैट मे बी फॉर्म्ड ऑफ अ सिंगल फीमेल यूनिट कॉल्ड कार्पल, जो कि एक सिंगल फीमेल यूनिट से बनी होती है, इसको क्या बोलते हैं, कार्पल बोलते हैं, या फिर बहुत सारे कार्पल से मिलकर ही बनी हो सकते हैं, इसका जाइनोसियम बोलते हैं, जाइनोसियम बोलते हैं। इच कार्पल कंसिस्ट ऑफ अ बेसल ओवरी, हर किसी ओवरी होती है ना, एक मिडिल स्टाइल होता है, एक अपर मोस्ट स्टिग्मा होता है। ओके पहले पिस्टल देखते हैं, पिस्टल कहाँ से दिखाई जा रहा है आपको, चलो छोड़ो। वो कह रहा है किसी किसका पिस्टल जो होता है ना, वो सिंगल कार्पल से मिलकर ही बना हो सकता है, लेकिन ये एग्जाम्पल जो है सिंगल कार्पल नहीं, इसके अंदर बहुत सारे कार्पल हैं,
ठीक है, फिर समझो है ना, काफी सारे कार्पल्स हो सकते हैं, काफी सारे कार्पल्स हो सकते हैं, हर कार्पल के अंदर क्या होते हैं, ओवरी होता है, स्टेल होता है, स्टिग्मा होता है। तो बेसिकली फिसल बोलते हैं किस चीज़ का, इसके ठीक है, इसके 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 ग्रुप के, पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं, पिस्टल बोलते हैं। और ऐसे बहुत सारे उनको जाइनोसियम बोलते हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इसमें क्या क्या होते हैं। अगर तुमने पार्ट्स पढ़े यहाँ तक, तुमने बहुत कुछ पढ़ लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से छोटी छोटी चीज़ें बहुत आएंगी। अब आते हैं कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट फ्लैट पर। कंप्लीट फ्लैट क्या होते हैं, इनकम्प्लीट फ्लैट क्या होते हैं, बेसिकली कंप्लीट बोलो या परफेक्ट बोलो, या फिर इनकम्प्लीट बोलो या इम्परफेक्ट बोलो, ठीक है। तो कंप्लीट को परफेक्ट भी बोलते हैं, इनकम्प्लीट को इम्परफेक्ट भी बोलते हैं। तो कंप्लीट फ्लैट इज वन विच कंटेन्स ऑल द फोर फ्लोरल होल्स, एंड कंप्लीट फ्लैट जो होता है वो बेसिकली क्या करता है, वो कंटेन करता है क्या, ऑल फोर फ्लोरल होल्स। अगर एक या एक से ज़्यादा भी मिसिंग है, अगर एक भी मिसिंग हुआ, एक भी सिंगल भी मिसिंग हुआ ना, एक भी सिंगल भी मिसिंग जो होल हुआ वो मिसिंग हुआ बेसिकली, तो ये हमारा इनकम्प्लीट बन जाएगा, इनकम्प्लीट या फिर इम्परफेक्ट बन जाएगा, ठीक है। अब एक मिसिंग है, एक से ज़्यादा हुआ तो बात ही अलग है, एक हुआ तो नहीं, मतलब एक भी मिसिंग है, एक भी होना चाहिए, अगर एक से ज़्यादा मिसिंग तो भी, अगर एक से ज़्यादा तो क्या है, मिसिंग है, तो क्या बन जाएगा, इनकम्प्लीट है, इम्परफेक्ट बन जाएगा, ठीक है। एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल पार्ट्स ऑफ अ फ्लैट। फ्लैट के अंदर क्या क्या ऐसे पार्ट्स होते हैं जरूरी होते हैं, और कौन कौन से ऐसे पार्ट्स होते हैं जरूरी नहीं होते हैं। अब यहाँ पे एसेंशियल का मतलब है रिप्रोडक्टिव, ऐसे कौन से पार्ट होते हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, और ऐसे कौन से पार्ट हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते हैं, ठीक है। द एसेंशियल पार्ट ऑफ फ्लावर आर दोज दैट आर डायरेक्टली कंसर्न विद रिप्रोडक्शन। देखो जो मैंने इसका मीनिंग बताया वही वहाँ पे लिखा हुआ है। एसेंशियल पार्ट में वो पार्ट जो सीधा सीधा रिप्रोडक्शन से रिलेट करते हो, जो रिप्रोडक्शन से कंसर्न में रखते हो, कंसर्न में रिलेट करना, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कौन कौन से पार्ट हैं, तो अगर मेल में देखा है तो स्टामेन, और फीमेल में देखा है तो फैसल। ये पार्ट्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, एसेंशियल पार्ट्स होते हैं, और सब बाकी के पार्ट जितने भी रिमेनिंग होते हैं वो सारे क्या हो गए, नॉन एसेंशियल हो गए, जो कि बेसिकली एक हेल्पिंग होते हैं, जो एसेसरी, एसेसरी मतलब एक तरह से हेल्पिंग है, एक तरह से हेल्पर, सपोर्टिंग केबल है ना। नॉन एसेंशियल पार्ट्स आर सिंपली हेल्पिंग पार्ट्स, देखो लिखा भी हुआ है, ये केबल के हैं, हेल्पिंग पार्ट्स हैं, विच आइदर प्रोटेक्ट, या तो ये प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे थोड़े पार्ट्स को, या फ्लावर्स को, और अट्रैक्टिव बनाएंगे फॉर पॉलिनेशन। एसेंशियल पार्ट नॉन एसेंशियल पार्ट्स का काम करते हैं, या तो हेल्प करना, हेल्प कैसे करेंगे, बाय वे ऑफ प्रोटेक्शन, बाय वे ऑफ मेकिंग इट अट्रैक्टिव है ना। दीज पार्ट्स इंक्लूड द सेपल्स एंड पेटल्स, इनके अंदर क्या क्या चीज आती हैं, सेपल्स एंड पेटल्स इनके अंदर आते हैं, नॉन एसेंशियल के अंदर है ना। इन सम केसेस द सेपल्स एंड द पेटल्स लुक वेरी सिमिलर एंड कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन अनदर। कभी कभी आपको सेपल और पेटल्स ना सेम दिखाई दे सकते हैं, सेपल कैसे कलर का, ग्रीन कलर का होता है, पेटल्स किसी भी कलर की हो सकती है, हर फ्लावर की अलग अलग क्वालिटी होती है, तो किसी फ्लावर का भी अगर पेटल ग्रीन हुआ तो सेपल और पेटल को पहचानना कभी कभी डिफरेंट डिफिकल्ट हो जाता है, दोनों सेम ही दिखाई देते हैं। तो ऐसे केस में पता उनको क्या बोलेंगे, अगर ऐसे केस में अगर कभी कभी क्या होता है, सेपल्स और पेटल्स लुक वेरी सिमिलर, तो ऐसे केस में पता उनको क्या कहेंगे, टेपल्स क्या बोलेंगे, टेपल्स, और कलेक्टिवली पेरियन, कलेक्टिवली पेरियन, ठीक है। देखो वर्ड मीनिंग कितने सारे आ रहे हैं ना, टर्मिनोलॉजी बहुत सारे शब्द के अंदर, तो आपसे बहुत कुछ पूछ सकते हैं। मैं तो चाहूँगा शब्द को पढ़ना ही धीरे धीरे करके, ज़्यादा पढ़ना ही वहाँ से एक दिन में, हाँ लेकिन जितना पढ़ो उसको याद करते जाना, और याद करने से मेरा मतलब है इसको लिखते हुए चले जाना, लिख रख कर याद करना बेसिकली हर डेफिनेशन को, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। वैन द पेरियंथ इज ग्रीन लाइक द सेपल्स, जब पेरियंथ ग्रीन है, पेरियंथ मतलब दोनों चीज मिलाकर ग्रीन ही है, इट इज डिस्क्राइब्ड एज सेपलॉइड, सेपलॉइड पेरियंथ। अब वैन द पेरियंथ इज नॉन ग्रीन, इट इज डिस्क्राइब्ड एज पेटलॉइड पेरियंथ,
क्या कह रहा है इसके लिए? अगले पर्यंत है यानी कि दोनों सेपल और पेटल्स हैं, अगले दोनों ग्रीन हैं, अग्रीन होकर अगर वो मिल रहे हैं तो उसको पेरेंट्स बोलते हैं, लेकिन अगर ग्रीन है तो उसको सेपरेट पेरेंट्स बोलेंगे, अगर ग्रीन है तो व्हेन पेरेंट्स इज ग्रीन। लेकिन अगर आपके दोनों अलग अलग कलर के हैं, फिर दूसरे का सेपल ग्रीन ना हो, रेड कलर का हो और पेटल भी ग्रीन कलर का हो, ठीक है, दोनों अगर नॉन ग्रीन हुए है ना, मतलब पेटल भी रेड हो और सेपल भी रेड हो सकता है ना किसी किसी केस में। तो ऐसे केस में अगर जो आपको पेरेंट्स जो है वो नॉन ग्रीन है तो उसको हम बोलेंगे पेटलॉइड पेरेंट्स बोलेंगे। ठीक है, ब्रेक्स ब्रेक्स क्या होता है पढ़ते हैं जरा। व्हेन अ फ्लावर अराइजेस इन द एक्सिल ऑफ अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जब फ्लावर भरता है, जब फ्लावर भरता है और कैसे भरता है, लीफ की तरह, इन द एक्सिल ऑफ अ लीफ, इन द एक्सिल ऑफ अ ब्रीफ लीफ, एक्सिल का मीनिंग बिल्कुल फॉइल हो, काफी नए नए टर्मिनोलॉजीज आपको यहाँ पर मिल रही है, छोटे छोटे वर्ड मीनिंग भी याद करते हुए चलो। एक्सिल लिख लिया, अब हिंदी इसकी बोली होती है वो डंठल है ना, डंठल लिख लो, लीफ के अंदर डंठल होती नहीं होती, लीफ के अंदर, लीफ के अंदर बीच में जो सेंटर पार्ट होता है वहाँ पे स्टेम जैसा कुछ होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक्सिल। तो जब आपका फ्लावर उस जगह से और ग्रो हो रहा होता है, बेसिकली वहाँ से भर रहा होता है, तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ब्रैक्ट बोलते हैं। उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ब्रैक्ट बोलते हैं। ब्रैक्ट में भी ग्रीन लाइक ऑर्डिनरी लीव्स और एट टाइम्स देयर कलर, कभी कभी ये ब्रैक्ट कैसे हो सकते हैं, ग्रीन भी हो सकते हैं, कभी कभी ये कैसे हो सकते हैं, दिखाई दे रहा है जो स्ट्रक्चर होता है बीच में ये, तो कभी कभी ग्रीन भी हो सकते हैं, कभी कभी ये नॉन ग्रीन भी हो सकते हैं, डल्ला है ना, यानी नॉन ग्रीन मतलब अकलर्ड भी हो सकते हैं। कलरफुल ब्लैक, लार्ज एंड कलरफुल ब्लैक ऑफ, ये एक फ्लावर का नाम क्या हुआ है, लिया लिया है ना, इज मिस्टेकन फॉर पेटल, इज मिस्टेकन फॉर पेटल, इज मिस्टेकन फॉर पेटल, मतलब क्या, इसका कलर जो है वो पेटल से ले लिया है ना। द एक्चुअल फ्लावर इन सम वर्ड्स सम वर्ड्स सम वर्ड्स सिलेंड्रिकल एंड अटैच्ड ऑन द इनर साइड ऑफ अ ब्रैक्ट, बेसिकली कह रहा है एक्चुअल फ्लावर जो होगा इस केस में वो कैसा होगा, छोटा होगा, सिलेंड्रिकल शेप में होगा और ब्रैक्ट के अंदर होगा, ब्रैक्ट के अंदर वाली साइड में हो, ठीक है, उसी वाला आपको दिखाया गया, ब्रैक्ट के अंदर वाली साइड में फ्लावर, लीफ के अंदर फ्लावर है बेसिकली है ना। नेक्ट डे, ओह ये वर्ड तो आपको शायद सुना हुआ लग रहा होगा, मोस्ट फ्लावर्स प्रोड्यूस अ स्वीट फ्रेग्रेंट लिक्विड कॉल्ड नेक्टर, काफी सारे फ्लावर बहुत स्वीट स्वीट फ्रेग्रेंट लिक्विड बनाते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, नेक्टर बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, नेक्टर बोलते हैं। नेक्टर्स, ग्रुप्स ऑफ नेक्टर सेक्रेटिंग सेल्स कॉल्ड नेक्टरीज, ऐसे सेल्स जिनको सेक्रेट करते हैं, सेक्रेट होता है बाहर निकालना, सेक्रेट मतलब होता है बाहर निकालना, रिलीज करना, तो ऐसे सेल्स फ्लावर्स के अंदर जो इन नेक्टर को छोड़ते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नेक्टरीज। बेसिकली कहाँ पर होते हैं, यूजुअली एट द बेस ऑफ अ पिस्टल, पिस्टल के एकदम बेस में होंगे या फिर पेटल्स के बेसिस पर होंगे। द नेक्टर अट्रैक्ट, ये नेक्टर का काम क्या होता है, बेसिकली ये अट्रैक्ट करते हैं किसको, इंसेक्ट्स लाइक हनी बीज हो गए है ना, किस लिए, ताकि क्रॉस पॉलिनेशन हो सके। पॉलिनेशन का मीनिंग आपको ऑलरेडी पता होगा, नहीं पता होगा तो हम देखेंगे आगे है, अगर नहीं होगा तो मैं एक बार समझा दूंगा आपको, अरे अभी तो समझे, प्रोसेस होती है, ठीक है। इन सम केसेस नेक्टरीज आर वेरी प्रोमिनेंट एज इन नस्टोसियम, ये तो याद रखने पड़ेंगे, आप फ्लावर्स आपको दे रहे हैं यहाँ पर, आपको ब्रैक्ट के एग्जाम्पल क्या जो
बोगनविलिया, ठीक है। यहाँ पर अपन नेक्रेस के लिए क्या एग्जांपल दिया हुआ कि नेक्रेस सबसे ज़्यादा किस में होता है, सबसे ज़्यादा नेक्रेस किस प्लांट के अंदर होते हैं, नस्तुर्तियम में, ठीक है। एक प्लांट होता है नस्तुर्तियम, यहाँ पर होता है इसका। और पढ़ाने के अलावा थोड़ा सा आपको इसको लर्न कराने में फोकस दूँ ज़रा, या फिर आप कर लोगे लर्न? छोटी छोटी डेफिनेशन हैं, कर ही लोगे ना, मैं आगे करा देता हूँ, ठीक है। सेक्सुअलिटी इन फ्लावर्स, मेल फीमेल बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, तीन तरह के फ्लावर्स इन्होंने अलग कर दिए, एक मेल फ्लावर अलग से, फीमेल फ्लावर अलग से, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर अलग से, ठीक है। तीन कैटेगरी इन्होंने बना दी। क्या कहें, द एंथर्स ऑफ एंटीस्टामिन प्रोड्यूस पॉलन। एंथर्स होते हैं बेसिकली, एंथर कहाँ होते हैं बोल, ब्लू बर्ड हमने कुछ पढ़ा था ऐसा, ब्लू बर्ड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जो स्टेमिन के बिल्कुल टॉप टिप पर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कुछ प्रोड्यूस करते हैं, इसको पॉलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलन बोलते हैं, ठीक है। विच इज फॉर्म द मेल सेल्स, जो कि मेल सेल्स बनाता है, जो कि मेल सेल्स बनाते हैं, गैमेट्स भी बोलते हैं, गैमेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, द ओवरी ऑफ कार्पेल, ओवरी वाला जो फीमेल पार्ट के पास होता है, ओवरी ऑफ कार्पेल बियर द ऑव्यूल, ओव्यूल मतलब कहते हैं कैसे पेट हो सकता है बेसिकली, जिसे एंट होती है जो कवर करके रखते हैं, एक एग सेल को, इसको जो किसको कवर करके रखती है, एक एग सेल को कवर करके रखती है, जो फीमेल पार्ट होता है, फीमेल गैमेट होते हैं उसको। अब जो स्टामेन होते हैं और जो कार्पेल होते हैं, आर द मेल एंड फीमेल पार्ट, स्टामेन मेल, कार्पेल फीमेल, इसमें मैंने बता दिया था इसके उतारे द्वारा से। अब क्या कह रहा है, हर बेसिक डेफिनेशन बता रहा है, ऐसा प्लांट तो क्या करता है, कंटेन करता है बोथ, बोथ मतलब स्टामेन भी और कार्पेल भी, तो उसको क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर। और साइंटिफिक नाम उसका क्या है, हर्माफ्रोडाइट फ्लावर, ठीक है। एग्जाम्पल आपको याद रखनी रखनी है, हिबिस्कस, रोज, लिली, टमाटो, ठीक है। अगर कोई ऐसा प्लांट है जो केवल ओनली वन कंटेन करता है, ओनली वन ऑफ दीज पार्ट्स, है ना, जैसे कि या तो फिर ओनली स्टेमिन या फिर ओनली कार्पेल, तो क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल या फिर इनकम्प्लीट फ्लावर, ठीक है। एग्जाम्पल पपाया एंड पाम, ठीक है। फिर और यूनिसेक्सुअल में कौन सा होगा, कोई एक ही तो होगा, उन्होंने देखा कोई एक होगा, अब एक क्या, अगर मेल पार्ट है, मतलब मेल पार्ट है यानी कि स्टामेन है, तो उसको मेल फ्लावर बोलेंगे या फिर स्टेमिनेट फ्लावर बोलेंगे, ठीक है। अगर ओनली कार्पेल यानी फीमेल पार्ट है, तो उसको फीमेल फ्लावर बोलेंगे या फिर पिस्टलेट फ्लावर बोलेंगे, ठीक है। छोटे छोटे डेफिनेशन से लिख लिख कर याद करोगे इजिली हो जाएंगे। न्यूटर फ्लावर, न्यूटर फ्लावर, अ फ्लावर इन विच बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर लैकिंग। सर ऐसा पार्ट, ऐसा प्लांट जिसके अंदर दोनों में से कोई भी नहीं है, कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ही नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं, न्यूटर फ्लावर बोलते हैं। ठीक है एग्जाम्पल, और हाँ ध्यान रखना, अच्छे नंबर चाहिए तो एग्जाम्पल सबको सभी के याद करने पड़ेंगे, ठीक है। रियल फेवरेट्स ऑफ सनफ्लावर, ठीक है, एक से एग्जाम्पल आपको दिया हुआ। एक टॉपिक जो बहुत बड़ा है, अदर इसकी लास्ट टॉपिक है बेसिकली, तो इसको हम कल ही करेंगे, मैं भी करा भी दूंगा, स्टार्ट तो खत्म नहीं हो पाया, पता नहीं बीच में छोड़ना नहीं चाह रहा। ठीक है, वो क्वेश्चंस कर देंगे इसके। भोगेन बिलिया फ्लावर ये तो उसका था, किसका था बेसिकली, ब्रैक्का था ना बेसिकली, आपका दिए हुए यहाँ पर, अच्छा आपने मार्क भी है, आप सारे सेट भी कंप्लीट, प्लांट को कंप्लीट कब पाओगे, जब उसके अंदर चार बुक पूरे क्या हों, बोलो अगर एक भी मिसिंग है तो उसको क्या बोल देंगे, इनकम्प्लीट बोल देंगे। ये भी आपका मतलब हो चुका है, मूव अप भी क्या करना, डिस्कस ही करते चलते हैं।
एक फ्लाई को कंप्लीट भी कहते हैं, दूसरा कंप्लीट भी कहते हैं, दूसरे का नाम क्या होता है? पापड़ फ्लाई, द फ्रूट दैट गिव्स राइज टू फ्रूट, अभी उन्होंने पानी है, द पार्ट ऑफ फ्लावर दैट गिव्स राइज टू सीड, अभी उन्होंने पानी है, द एसेंशियल होल्स ऑफ फ्लावर आर एंडोसियम जेनोसियम। सर ये तो हमने पढ़े नहीं था, ये पढ़े थे जिनमें जिनके कलेक्टिव वाले नाम दिए हुए हैं, कलेक्टिव वाले नाम तो याद करने हैं ये, ठीक है, जो भी अदर अदर नेम्स इतने भी हैं वो सारे आपको याद करने हैं, वेरी शॉर्ट नाम है ना, मैचिंग्स बेसिकली। तो थोड़े बच्चे हम कर सकते हैं, इससे कौन कौन से हम कर सकते हैं, टिक लगे ना, एक नॉन एसेंशियल को ट्राई कर सकते हैं, एक पॉलिंग्रेज को ट्राई कर सकते हैं, एक स्वीट फ्रेग्रेंट फ्लूड यानी वो लिक्विड को ट्राई कर सकते हैं, और ये तो नेक्टर होता है शायद शायद है ना, ये रहा नॉन एसेंशियल, कहाँ गया आपका, कैलिक्स कोरोला, ये देखो दूसरे नाम दिए हुए यहाँ पे, स्टामेन कार्पेल आपको नाम नहीं दिया हुआ, उन्होंने अलग ही नाम दिया हुआ है, कैलिक्स कोरोला अदर नेम बेसिकली है ना, तो आपका अदर नेम याद करने पड़ेंगे, पोलन ग्रेन्स बेसिकली, अभी ये वाला हमने पढ़ा नहीं है, थोड़ी देर उसको पोलन से थे ना, हमने पढ़ा नहीं है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म आपको ये याद करने, ठीक है, लिख लिख कर चारों ये चारों ने आपके होमवर्क में, ठीक है, ये तो आपको करने हैं और एक ये आपको करना है, यानी ये छोड़कर आपको सारे करने हैं, ठीक है, क्लास छोटी हुआ करे ना तो उसका यूज उठाया करो, टाइम तो आपके बचेगी ना थोड़ा बहुत आपके पास, तो फिर उस टाइम पर ना इसको याद क्या करो, यानी कॉपी का बंद करिए और बस, आज छोटे क्लासेस सर ने थोड़ा कम पढ़ाया है आपने, जब थोड़ा वहाँ पे ऐड कर दो, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें याद भी तो करना है ना, तो बस टाइम में यूटिलाइज क्या करो, क्योंकि मेरा जो कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली होता है एक बार में कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ा दूंगा, अभी उसमें बड़ा है पूरा दो पेज का ये हो नहीं पाएगा, अभी वाई आर द फॉलोइंग डिस्टर्ड वाज स्टेटमेंट, इनको ऐसा क्यों बोलते हैं जैसे ये लिखा हुआ है, तब ये वाला लिख सकते हो क्या बोले, और एक ये वाले भी लिख सकते हो, पैटलॉइड भी हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, ट्राई करना, आ जाए तो ठीक, नहीं आए तो बताना, फिर हम डिस्कस कर लेंगे, ये वाला कर सकते हो बस, तो चैप्टर के बाद में करेंगे कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, तो देखो आज हमें जो पढ़ा उससे कितना साल हो गया हमारा, ऑलमोस्ट मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमारा मोर देन 60-70% हमारा हो गया, एंड जो बचा है वो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट बचा है, और कम इंपॉर्टेंट क्यों, जितने मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया कि स्टार्टिंग में जो हमने पढ़ाई इस वक्त कुछ हमने पढ़ा बेसिकली चैप्टर में टर्मिनोलॉजीज हैं, टर्मिनोलॉजीज हमने सारी पढ़ी ली यहाँ पर, ठीक है, इसको याद कर लेना, मेरा ये फोकस रहेगा, ठीक है, छोटा चैप्टर है, अच्छा स्कोरिंग भी हो जाएगा आपको, ये ऑफ करते हैं।